بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز میں تسنا میزبان محمد شباب اور تسن تک نے پی اپنا فیملی یوٹیوب چینل ایم ڈی شباب قادری افیشل جی ویورز اج نئی ویڈیو کنی کا تسن پرا تسن خدمت وچ حاضر ہویا امید کرساں اج نے بنائی گئی ویڈیو تسن کی پسند سی سب تو پہلے جڑے نئے ہیں اسن کی ویلکم ہنا یا اور سارے پنا پرانا انتہائی شکریہ ادا کرنا یا कि जो भैन भ्रा माड़ी सपोर्ट करने माड़ी वीडियो की वाच करने तो नवी वीडियो ने आगाज करने आज नी वीडियो असं की बड़ी खूबसूरत बनाई के दसा आज देसी व्लॉग हो सी आज फिर मैं दौरा किया डैम डडियाल डैम है जरा पुरानी डडियाल हूँ सी उसने एक बार फिर मैं दौरा किया एक बार फिर पुरानी याद ताज़ा कराई ओड़ा और मैं भी काफ़ी महीने हो गए काफ़ी दिन हो गए इस इलाके ने विजिट नहीं किया उस तो बाद इतना गंदम भी है वह भी तुसा कि नहीं दसी है तो चलो मैं वह भी तुसा कि दसी ओड़ा और बाकी तकी सकने सो कि इस तरफ आई रही भेडा बैक कैमरे की तरफ चलें उसकी दसने तो बाकी नार ही रहा उसकी व्लॉग बनाई के दसा बड़ा ही सोना तो आई जो जल्द करने व्लॉग की स्टार्ट खान साहब ने भेडा आई रही और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत भेडा और बड़ी रौनक है और बड़ा ही जबरदस्त माहौल माशरा इतना ना इतना अच्छो तो बड़ा सुकून मिला मैं और तकी सकने कितनी रौनक और कितनी सोहनी सोहनी भेडा खान साहब नियाँ माशाल्लाह और नाल तोड़ भी काफ़ी वाह जी वाह काफ़ी भैन भ्रा ने ख्वाहिश होनी अस भेडा छा तक और तुसा तक कि सन भेडा गुजरनिया और लेले भेडा ते मिक्सिया ते तुसा तक कहते बाकी चलने सफर के करने शुरू असा कि शॉर्ट शॉर्ट क्लिप जोड़े आज मैं तक दसा और सोनिया सोनिया जड़िया जगह मस्जिद शहीद हुई है इतना पहुंचे हैं मस्जिद में दसना गया मैं इस मस्जिद ने वीडियो मुकम्मल ने सी बनाई दूरों दसी सी तो बाकी मैं उसकी मस्जिद ने वीडियो बनाई के दसा मस्जिद जी शहीद हुई है और डैम ने नजर आई गई सी बाकी इतना पुराना एक कुआं सी और उसकी दसने तक सकने कितना गहरा कुआं है काफ़ी गहरा कुआं है जी और इस तरफ पानी की टेंकी सी है तक सकने हो इस तरह से पानी टेंकी बनाई गई सी ताकि बुद्ध शुरू करने वास्ते और गंदम भी बिल्कुल तकरीबन और महीने जी तैयार हुई जैसी और इस तरह तक सकने कबर से नज़र आई दी और बड़ा ही खूबसूरत माहौल है बाकी मस्जिद तक सकने हो कि कुछ दीवारा गिरी चुकी ऐसा तक सकते हैं मस्जिद की क्या सूरत हाल है मस्जिद बिल्कुल शहीद हो चुकी है और कुछ दीवारा इतनी बिल्कुल गिरी गई तक सकने हो मैं ये तुसा कि दसी ओड़ा नाल इस तरफ तो बिल्कुल ही छत गिरी है ये तको तो बिल्कुल मस्जिद शहीद हुई गई है और इस तरफ चिप्स वगैरह पे ही सी लेकिन
डैम जिला आया था ये भी टूट फूट में शिकार हो गई है चिप्स और ये छत तब बिल्कुल ही डाउन हो गई है बेहिया ज़मीनी तरफ चला गया है और ये संत किसी ने मीनारे गुम्बद वगैरह कितनी बुरी हालत होगी या और मस्जिद बिल्कुल शहीद होगी तो संतकी कहती उसी बाकी इस तरफ संतकी सकने हो कितना खूबसूरत माहौल कितना खूबसूरत नज़ारा इतना अच्छी एक दिल है कि बड़ा ही सुकून मिलना है। मैं काफ़ी टाइम हो गया मैं इतना नहीं अच्छा आया तो मैं चलो इतना भी अच्छी गया तुम ये भी जगह दसी रहा इतना कुछ ना लिखे न वो मैं पढ़ी तो दसना है बाकी इस तक सकने मीनारे गिरे गए नीचे बाकी हजरत उस्मान ने गनी हजरत अली उल मुर्तदा ये ना लिखे हुए ते उस तरफ ही ना लिखे सन लेकिन मस्जिद गिरी गई है बाकी चलने कि नाल दसने मैं उसकी दसी है मस्जिद जड़ी है मैं उस मस्जिद विच मौजूद हाँ जिसनी कुछ हद तक गिरी गई और कुछ हद तक जब बाकी है सुन तक सकने हो तो बाकी ये मस्जिद ने वीडियो जड़ी है मैं अगर कौन इसी बनाई तो वैसे दूरों तो बनाई है लेकिन मस्जिद अंदर आने दे मैं वीडियो कौन इसी बनाई ये भी तुसा कि समझो कि मैं नवी वीडियो बिच मस्जिद दसना पाया जी मस्जिद शहीद हो गई है बाकी इस वक्त मैं मौजूद हाँ जी मंगला डैम ने खूबसूरत मंदिर पुराने डडयाल एक बैंसाना डेरा वै तो इतना मौजूद हैं तक सो काफ़ी खूबसूरत बैंसा इतना मौजूद हैं और हाँ जी विवर अस इस वक्त मौजूद हैं पुराने डडयाल इतना एक मंझाना डेरा है तो अस इतना मौजूद हैं सारे भाई और मौजूद हैं तो उस तो बाद काफ़ी अहबाब सारे मौजूद हैं तो ये मौली और तक हूँ आने से पे लेले भेडा ये उन्होंने मालिक बैठे हुए तो बाकी इस पैसा भी खान और बैठे हुए और बाकी इस तरफ ही जड़े बैंसा की चारा बाहर हैं घास वगैरह और सारे इस साइड पर भी भाई और मौजूद है इन्होंने बातचीत करने उस बाद सारे गुफ्तगू सी थोड़ी थोड़ी है और अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र है जनाब और सुनाओ सेहत पक ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं भाई जान सब तो पहले अपना सोना जान नाम दसीड़ो मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं जो है ना मुल्तान के आगे मुजफ्फरगढ़ शहर है मैं उधर से आया हूँ और पहले दुबई में वक्त गुजारा है और माशाल्लाह अपना मुल्क को आज़ाद कश्मीर में देखा है बहुत बड़ा जो है ना इधर जन्नत का टुकड़ा है समझो जैसे बोलते थे ना ये आज़ाद कश्मीर एक जन्नत का टुकड़ा है तो हमारा पाकिस्तान भी जो है ना बहुत खूबसूरत है और घूमना चाहिए अपना मुल्क है अपने मुल्क को विज़िट करना चाहिए हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं लेकिन हम अपने मुल्क का विज़िट नहीं करते हमारा जो मुल्क है ना आप इधर जो आ जाएँ आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद इधर उधर जाएँ इधर आपको अच्छे अच्छे जो है ना लोग मिलेंगे मोहब्बत करने वाले और जो है ना आप इधर आके सीनरी देखेंगे आप यूरोप को भूल जाएंगे तो इस तरह हम भी इकट्ठे हुए हैं अचानक इस तरह अल्लाह मिलाते हैं ना एक तो मुसलमान होने के नाते और एक पाकिस्तानी होने के नाते ये भाई इधर आ गए हैं तो अल्लाह इनको खुश रखे इधर महफिल बन गई है ये इधर आपको मंजियों का डेरा है और खुला माहौल है ये मंगला डैम के साथ हम लोग बैठे हैं और ताज़ा ताज़ा हवा चल रही है बहुत मज़ा आ रहा है और इंशाल्लाह आप ये भाई वीडियो बना रहे हैं आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप दुबई में कितना साल हैं? दुबई में मैं 10 साल रहा हूँ। अच्छा ठीक है मेरे भाई दो भाई उधर ही हैं। अच्छा। लेकिन उधर पैसा बहुत कमाया है। अच्छा। सब कुछ है लेकिन जो है ना अपने मुल्क की याद जो है ना वो दिल में रहती है वतन वतन होता है अपना ज़मीन ज़मीन होता है फिर अभी ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए घर बन गया है बच्चे भी हैं तो अभी अपनों से दूर नहीं रह सकते हम लोग। दुबई में आपको पाकिस्तान की कितनी याद आ रही थी वहाँ? दुबई तो पाकिस्तान तो हमारे अभी जो है ना समझो दिल में हर वक्त है मोहब्बत होती है अपने वतन से बंदा जिस वतन में रहता है पैदा होता है तो उधर भी खूबसूरती उधर का जो खूबसूरती है ना वो उन्होंने बनाया हुआ है इधर का जो है ना ये कुदरती मतलब खूबसूरती है तो ये अभी हम नहीं भूल सकते ठीक है
तो अभी उसकी मोहब्बत हमें खींच ली है भाई, थोड़ा पैसा हो, इधर हो, सुकून हो, ताज़ा दूध मिल जाता है, उधर डब्बे का दूध पीते हैं तो ताकत नहीं होती जिस्म में। सही बात, सही बात। तो इस तरह ना अभी छोड़ के आया हूँ मैं। काफ़ी काफ़ी हमारे बहन भाई है ना, काफ़ी परदेशी भाई हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमें पाकिस्तान के जो पत्थर है ना, आप उनकी भी वीडियो बनाएं, वो भी हमें बड़े याद आते हैं। सही बात है, वो उधर जब बंदा फ्लैट में जाता है ना, फ्लैट अपने मुल्क से वो परवाज करती है तो फिर आंसू भी निकलते हैं। बिल्कुल सही भाई, अभी हम अपनों को छोड़ कर जा रहे हैं, वतन को भी छोड़ के जा रहे हैं, इस तरह अपने जना आंसू निकल आते हैं। तो बंदा जो है ना कोशिश करे, इधर नसीब लिखा होता है ना प्रदेश में भी, तो अपने वतन को प्यार करना चाहिए। हमारे वतन मुल्क पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इधर हर चीज़, लेकिन हमें जो है ना कोई अच्छा लीडर मिल जाए, हमारी यही दुआ है। सही है, सही है, सही है। अच्छा ये बताएं जी कि जब आपको पाकिस्तान की याद आती थी तो उस दुख में आप कौन से सॉन्ग पढ़ते थे वहाँ? तो हम उधर जो है ना अताउल्लाह को ज़्यादा सुनते थे। अच्छा। ते और जो अपने गुलूकार हैं अच्छा, उनको ज़्यादा सुनते थे। उनका कौन सा सॉन्ग पसंद है आपको? कदम वलसो सोना सावला। वाह जी। अच्छा ये बताएं जनाब के इस वक्त आपके पास कितनी भैंसें हैं यहाँ पे डेरे पे? ये भैंसें इधर जो है ना भैयान, ये तकरीबन 25-30 भैंसें हैं और डेरे पे रखी हुई हैं। अच्छा। तो इधर टाइम के साथ जो है ना इधर लेके आए, इधर घास चरा बहुत है, तो इधर फ्रेश मिल्क भी होता है। सही है। तो हम लोग इधर फिर बेचते हैं, अपना जरिया मुआश बनाया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी मिल रही है, तो हम इसी में खुश हैं, अपने वतन की हवा में। तो इधर खुश भी, देसी कारोबार है, देसी कारोबार में बरकत होती है। दे हाँ सही बात है, देखो जो है ना पैसा तो इंसान की एक ज़रूरत है, ज़्यादा पैसा भी नुकसान है। बड़े बड़े पैसे वालों को लोगों को देखा है, उनको बीमारियाँ भी बड़ी आती हैं। ठीक है, छोटा थोड़ा पैसा हो, मतलब हलाल का हो, वो अच्छा है। आपकी ज़ाती भैंसें कितनी हैं यहाँ? मेरी ज़ाती भैंसें जो है ना इधर 25 हैं। माशाल्लाह। अल्लाह आपके कारोबार में मजीद बढ़ते हैं दाकर। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत खुशी हुई मुझे, और बाकी भाइयों से भी मैं बातचीत करता हूँ फिर जी। वीवर की मजीद दसने आसा कि भाई और मंज भी चौने पन, और इधर एक साढ़े मौलवी बैठे न उका छिकने पे, तो ये भी तुसा कि दसने अंकल और जनाब अली उका छिकने पे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक हो जी? वाल लो। अच्छा ये दसो जनाब, उका क्या कुछ बना? उका हाँ उके दे तू वहाँ चढ़ाया बड़ा नशा बने कुछ ठीक नशा पूरा करना पे? हाँ बस नहीं, ये पूछो आप ये कितनी सुन तक सकने हो जी? तो दोस्ती मौजूद है, इस टोपी भी लाई हुई। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली फिजान। अच्छा कितनी पढ़ते हो स्कूल आप? मैं पंजवी पढ़ता हूँ। पंजवी पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा ये बताएं जी कि पंजवी आप पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? किस स्कूल में पढ़ते हैं? डंडियाल शहर में पढ़ते हैं। डंडियाल शहर में पढ़ते हैं। डंडियाल शहर में? हाँ। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ। खुशी की वजह क्या है? इस खुशी की वजह मैंने आज मैं भैंसे चा रही है, तो आज पहली बार डैम ने फिर आया है। अच्छा ये वजह है। अच्छा जरूरी नहीं है कि छोड़ दें गल करो, आपने गल करी ना अपनी दुकान विच। ठीक है, दसो के तुसा शामी कितना किलो दूध पीने हो मनिया? असि शामी पीने आ किलो 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 किलो। हां तो तुसा ने जिस बॉडी को नहीं जिसने दूध पीने हो? तलीम ज्यादा करता हूं मैं, तलीम ज्यादा करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। हां सारी दिन काम करना। लस्सी शस्सी भी लाने हो कोई नहीं? हैं लस्सी? लस्सी को नहीं लाने। लस्सी लाया करो ना जी, मक्खन शक्खन जनाब देसी घ्यो शो खाया करो। नहीं वो को नहीं लाने, दूध चंगा बिकी जाना ना, इस मारे नहीं लाने। तो बाकी मस्जिद को पढ़ने को पढ़ने हो? अच्छा हां कितने सिपारे पढ़ी चुके हो? हां एक कुरान कितने सिपारे पढ़े हो? कितने सिपारे पढ़ी चुके हो? हुन हुन ही जड़ा है कुरान मजीद एक बार खत्म कीता, फिर लग हां फिर लग सा। बाकी तुसे कोई ना शायद कोई नहीं है? हां ना शायद अछनी ना शायद अले को नहीं अछनी को नहीं अछनी ना ओ या पार्टी बहुत आला बहुत पार्टी है जी। वाह जी वाह, वो तुम्हारे दंत काट देवे। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत बहुत आला वाडी है जी। बाकी इस तरह से तको जी भैंस घास ही खानी पी, और नाल इना रशियन रसी बननी का जनाब इसके चौनन पे, इस तरह अगर से दसा माई नसी ना पाया अगर इस है तको जी।
हाँ ये मंज आखने को मारनी है ते क्या बात है जी वीवर। भैंसा कितनी तादाद ही मौजूद हैं और बड़िया खूबसूरत भैंसा कम से कम पंजी भैंसा हैं। पंजी लाख नहीं झूठ क्यों मारना यार ये कटी है इसने अच्छा अच्छा इस मंजी ये कटी है इस मंजी ये कटी है कटी शटी बेचने कटी खोल यार मंजी छोड़ दे जनाब मंज दूध ला ए देखो जी कटी जा रही है जनाब यार वाह जी वाह ये कह रहे इतनी जल्दी क्यों चोनी पियो ए ऐसा ना टाइमिंग है टाइमिंग है शाम ही चोया करो ना शाम ही नहीं चोनी हां ला 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 त ओए दूध उठ ला देने हो दुकान पर अच्छा दुकान पर तक वाह जी वाह ਆ ਤਾਂ ਕੋ ਜੀ ਭਾਈ ਔਰ ਇਧਰ ਵੀ ਮੰਝ ਚੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਤਕੋ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਮੰਝ ਚੋਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਨੇ ਔਰ ਮੰਝ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਔਰ ਕੋਲ ਖਲਤੇ ਵੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਝ ਨਸੀ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਇਤਨਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਨੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਡਡਿਆਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਨੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਿਨੀ ਸਕਣੇ ਹੋ ਲੱਭ ਸੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਐਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੱਥ ਮੈਂ ਆਵੇ ਉਹ ਰੇਟ ਕਿਆ ਦੋ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹਾਲਸ हाय हाय कुछ चेक करो मैं पी तो जाऊं फिर तेरे के लगने हम आज ओ तो को दो भी बना सारिया वो भी मुड़ा बैठा है अल्लाह 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 अस्सलाम वालेकुम भाई जान हम जो है ना इस वक्त अपने भाई को जो है ना अपना इलाका ये घुमा दिखा रहे हैं अच्छा ये मंगला डैम का इलाका है जो आपको ये सर सब शहदाब नजर आ रहा है सही बात तो आपको पता चलेगा भी पाकिस्तान भी कितना खूबसूरत मिला ठीक है अभी पर असन जा ही रहे हैं होना कलर बड़ी उस तो बाद टाइम पर जासा तो भाई और में मिली गए ना ड्राइवर भी है साढ़े और बड़ी खुशी हो रही है अल्लाह पाक ने की सलामत रखन और एक एक कोंदा 211 होने जी जी बिल्कुल हां बिल्कुल अल्लाह बड़ा मायूस हो जाता है फिर असली जो है ना भाई की हेल्प ना करिए तो फिर सानू बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया इस वक्त मैं मौजूद ना कलरवड़ी ने मकाम पर असन तक सकने बैकग्राउंड इसे मस्जिद नजर आ रही है तो ये मैं असें की व्लॉग ही दसी होना और बाकी एक कब्रस्तान है असन तक सकने एक कब्रस्तान है और उस तो बाद काफ़ी तो उस तरफ हान मौजूद हैं तो बाकी चलने असं दसने एक बार फिर कलरवड़ी मस्जिद जेडे माड़े जेडे नवे फैन आए उन्होंने वास्ते वीडियो बनाई रहा स्पेशली कलरवड़ी मस्जिद ने जी स्पेशल वीडियो में बनाना पाँ और जोड़े नवे फैन आए माड़े उन्होंने वास्ते तक ही सकने हो तो बाकी इतने वीर भाई मौजूद हैं उन्होंने बातचीत कर सा तो बाकी चलो साढ़े नाल भाई और मौजूद हैं तो इन्होंने को पूछने कि यह मस्जिद अच्छी क्या इन्हें की कितना सुकून मिलया और क्या कुछ आखना चाहने हाँ जी सर जी सब तो पहले सुना शुक्रिया अदा करना कि तुसा मारने सफर किया और तुसा इतना मस्जिद आए हो तो क्या आखना चाहते हो वीवर की जरा दसो ना मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर जो है ना मैं भाई को लेकर आया हूँ इलाका घुमा फिरा रहा हूँ इनको बहुत शुक्रिया वैसे भी आपको एक और भी मैं नसीहत करना चाहूँगा भाई आपके इलाके में कोई भी आपका दूर से कोई बंदा आता है आप उसकी सपोर्ट करें हेल्प करें क्योंकि हेल्प करना ही ज़िंदगी है जी। और दूसरी बात यह है कि हम इधर मस्जिद के पास लेके हैं इधर ये डैम है ना इधर जो बनी हुई थी मस्जिद अल्लाह का घर है लेकिन इसकी मुरम्मती नहीं है बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तो लोगों के पास बहुत पैसे हैं कोठियों पर लगाते हैं
और जो है ना अब ये शहीद हो गई है ना क्योंकि अब ये डैम में आ गई है, इस वजह से कौन तैयार? हाँ अभी ये इनको शहीद कर दिया है तो ये मस्जिदों पे लोगों को हक बनता है खर्च करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। ठीक है आप भाई को इधर इलाका दिखाएं, आप देखें कितनी खूबसूरती है इधर, बहुत खूबसूरती है माशाल्लाह, हर तरफ सब्जा ही सब्जा है। तो आप लोग भी कोशिश करें इधर इस इलाके में आएं, विजिट करें, घूमें फिरें। दूसरी जगह दूसरे मुल्कों से जाने से अच्छा है कि अपना मुल्क का विजिट करें। आप 10 साल दुबई में रहे हैं, वहाँ पे आप कौन सा काम करते थे? हम लोग उधर जो है ना एक फिश मार्केट है, अच्छा। मछली मार्केट, हम उसमें काम करते थे। तो उधर भी माशाल्लाह जितना दिन हमारा नसीब था रहे हैं। वहाँ से आप खुद आए या? नहीं मैं उधर से जो है ना आया था, अच्छा। मेरा एक दोस्त फोत हो गया था, हम साथ में फ्लैट में गए थे और साथ में ही उसकी बॉडी में लेके आया था। फिर दुबई में दुबई से वापस आया था वो। मौत तो ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, तो मैं बाद में उसी के साथ ही आया था और चनाब दरिया पे खड़ के मैंने पासपोर्ट फाड़ के दरिया में डाल दिया था, अभी नहीं जाना है दुबई। अच्छा भाई जान, आप मुझसे बड़े भी होंगे और हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। जी जी, मैं आपसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ कि जो हमारे दोस्त भाई डेंकी लगा के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, कल भी एक कश्ती हमारे दोस्तों की जो है डूब गई है, वो शहीद हो गए समुंदर में डूब के, तो जो डेंकी लगाते हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या पैगाम है? मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करें जी। और गैर कानूनी रास्ते से ना जाएं, क्यों आप किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं और किसी बच्चे के बाप हैं। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ वीडियो में भी देखा है, लोग लड़के हमारे इलाके में से भी गए हैं, उन्होंने हमें बताया कि हम जब वो कश्ती में उतारते थे जंगल में, हमने अपने पाकिस्तानियों की लाशें पड़ी हुई देखी हैं। ठीक है, देखें अभी लाशें पड़ी, उनको उठाने वाला कौन है? उनको जो है ना कीड़े मकोड़े ये खा जाएंगे, तो उन जंगली जानवर उनको खा जाएंगे, तो उससे अच्छा है आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, किसी के कहना मत माने, हमेशा कानून के मुताबिक आप चलें, उससे हमारी इज्जत है। ठीक है, अभी इज्जत उसी में है, अगर उस रस्ते में आपका कुछ हादसा हो जाता है तो आपके घर वालों की भी जिंदगी खत्म है। अच्छा ये भी आप बता सकते हैं कि हमारे जवान जो है ये क्यों कदम उठाते हैं, क्यों डेंगे लगाते हैं, इसका मसला क्या है, क्यों ये करते हैं? इसका मकसद ये है कि देख दिखावा, अच्छा मतलब हमारा हमसाया दुबई गया है उधर, अगर वो वेटरिंग का भी काम करता है, वो जब पाकिस्तान आता है ना अच्छे कपड़े लगाए होते हैं, घड़ी अच्छी लगी होती है, 125 अच्छी गाड़ी ले ली, चाहे उसकी रेंट की ले लेता है, लेकिन दिखावा करते हैं, वही दिखावा जो है ना हमें ख़राब कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो बोलता है यार ये दुबई में कमा सकता है, मैं नहीं कमा सकता, लेकिन आप उधर इस तरह जाएं, मेरा मशवरा है। हम लोग जब गए थे हमारे मामू चाचू उधर खड़े होते, उन्होंने हमें थोड़ा सपोर्ट किया, फिर हम कामयाब हो गए। लाजम सपोर्ट वाला बंदा चाहिए, अच्छा आप उधर जाके ना वीज़ा पकड़ो, लेकिन जांच पड़ताल करके, ये नहीं फिर उधर जाके आप समंदर पे रो बैठो, क्यों इधर से कोई जाता है, कोई जेवर बेचता है, कोई उधार लेता है, कोई किधर से पैसा पकड़ता है, इधर होता नहीं है ना बंदे के पास 3-4 लाख रुपए का वीज़ा है, तो उसको वेस्ट मत करें, आप सोच समझ के कदम उठाएं कि आपको फिर पछताना ना पड़े। आपने ये भी बताया कि मैं मैरिज हॉल में भी होता हूँ, कौन सा मैरिज हॉल? हम इधर कश्मीर मार्की मैरिज हॉल में काम भी करते हैं। ठीक है, वहाँ पे ड्राइविंग करते हैं या वेटिंग करते हैं? मैं उधर ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, लेकिन उस थोड़ी में मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब हमारा दोस्त ही नहीं रहा तो फिर हम बिल्कुल नहीं बिल्कुल जाएंगे। बहुत शुक्रिया भाई। असा मौजूद हैं कलरवड़ी मस्जिद को, हमारे नाल एक भाई और मौजूद हैं, इन्होंने मुलाकात हुई थी, तो मैं है क्यों ना इन्होंने भी वीडियो बनाई जाए और इन्हों दो चार गल्लां कीतियां जान और इन्होंने को पूछने कड़ी जगह थू आए न और क्या कुछ इन्हें सरफियाद है, तो इन्होंने को पूछने क्या भाई और बड़ी सोनी गल्लां कीतियां, उसकी पसंद ही है सन, तो इन्होंने गल्लां करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सब तो पहले अपना नाम दसो सर। नज़ाकत हुसैन। कड़ी जाने दलक है? एपलोट। प्लोट क्या कुछ कम करने हो? काम है पकवाई शुवाई ना करना है कश्मीर मार्केट जी। अच्छा कश्मीर मार्केट कम करने हो? जी हां, रोटियां वो रोटियां पकाने हो? जी असन रोटी पकाने है, बस वाम ने खिदमतदारी कर रहे हैं। वाह जी वाह, सही गल है, सही गल है। ये दसो कितना टाइम है ने कश्मीर मार्केट कम कर रहे हैं? साल होना है जनाब कम कर रहे। ठीक है, ते बाकी खाने शाना कड़ा को बनाई किने सारे बनाई किने खाने? खाना शाना पकाने वाले दो साडे उस्ताद ने पंजाब ने नो माशाल्लाह अच्छे कारीगर ने। अच्छा
ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸੰਘਾ ਸੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਜੋਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਸ ਕੀ ਬਾਸ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਈ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਮੰਜੀ ਕੀ ਬਾਸ ਹਾਂ ਮੰਜੀ ਬਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋ ਲੇਲੇ ਛੇਲੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਨਾ ਲੇਲੇ ਛੇਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਘਰ ਸਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪੱਠੇ ਘਿਰੀ ਜੁਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬਈਆ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋ ਜੀ ਡੈਮ ਪਰ ਕਿਤਨਾ ਪੱਠਾ ਆ ਕਿਤਨਾ ਨੀਲਾ ਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਦੇੜੇ ਨੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਚੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਆਈ ਜੀ ਜਗਾ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੱਕੀ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਲ ਆਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਇਹ ਹਵਾ ਲੱਗਣੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਇਧਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਚਲੋ ਫਿਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਵੀਵਰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੈਂਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਭੈਂਸਾਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਰਹੀ ਭੈਂਸਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਭੈਂਸਾਂ ਉਸ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਂਸਾਂ ਤੱਕੀ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕਿਆ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਔਰ ਅਸਾਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੈਂਸਾਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਯਾਰ ਮਜੂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੁਲਤਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਬੈਦੋ ਜੀ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੁਰੀਦ ਤੱਕੋ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਿਲੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੀਆਂ ਨਾ ਸਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਸਰਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਤ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 19 ਸਾਲ ਹੋਈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋ ਮੰਝੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਮੰਝੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਜਨਮਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ੂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ 10 ਮਿਲੀਆਂ 10 ਮਿਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਪੈਸਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਆਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਝੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਲਾ ਮੰਝੀਆਂ ਭੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੰਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕੁਝ ਭੰਨੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤੱਕੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਕਾਨ ਫੀਆ ਨਾ ਆਲਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਫ ਲੋਕ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿਆ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅੱਗੋ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਦਾ ਲੈਟ ਕਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਛੀਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪੀਤੀ ਆ ਮੰਨੀ ਵਰਤੀ ਚੀਨੀ ਆ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਦੁੱਧ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੀਤਾ ਪੀਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ 1 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦੋ ਕਿਲੋ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਲਾ ਛੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਖੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੀਲਾ ਸ਼ਰਾ ਕੱਪ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਰਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੰਝੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਚਾਚਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲੀ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਝੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ
इधर पंजी मंजन ते 10-12 फल निके जान ए बाकी दोस्त दस रहे ने के तुसी तकरीबन 2 किलो दा दूध पींदे हो एक टाइम दा ए सच कह रहे जी सच कह रहे पींदे हो जी पी तुम्हारी बॉडी पे बिल्कुल ही नॉर्मल पे ये एक ही मसला है बॉडी एवें दी है बॉडी जड़ी है सही है बॉडी जड़ी हां बॉडी मारने पीछे वो दे वो पीछे सरिया मार ला सी ये काम नहीं करना ताकत ज्यादा है बॉडी या जी रहनी है जनाब के लगते हो दोस्त है साला मुल्तान तो आया मुल्तान तो आया जी वाह जी वाह तुम्हारी उम्र कि मेरी उम्र 10 साल 11 स्कूल के नहीं पढ़ते हो स्कूल में 7वीं पढ़ना 7वीं जी और बॉडी सेट है छोर बॉडी सेट है हां बॉडी सेट है स्कूल ये देख रहे मैं मेरी सेहत नहीं ठीक वो मेरी सही है मैं इतो मारा थे पर आप हमने इतनी हां जी हैं अच्छा चाचा रे अखदे ने के मैं अजी सही फिट हां अगर मैं एक शॉट मारा बंदा उधर जाके टेम पेना है हां जी पछड़ है है तो को जी चाची और त्राटी जाके दी है तो कौन ओ चाचा पछड़ है हां जी अच्छा।